Hey guys, welcome back to my channel. और हम लोग आज आ चुके हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में. हम लोग पहुंच गए हैं. इट इज नाउ 8:00 और 9:00 जो भी हो रहा है. साढ़े नौ हो रहा है. हम लोग 8:00 होटल से निकल गए थे. अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं. हमारे साथ भैया जी हैं. भैया जी हमको गाइड करेंगे. भैया जी हेलो बोल दीजिए. हेलो. भैया जी हमें लेकर आए. हम लोग आज घूमने वाले हैं मथुरा और वृंदावन. गोवर्धन तो मेरे को नहीं लगता हम लोग घूम पाएंगे. तो विल सी. बहुत सारी जगह पे होगा कि फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू कैप्चर ऑल दोज थिंग्स जो भी हम वहाँ पे देखेंगे. तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. लेट्स गो. और एक चीज़ और, मैं ऐसे नहीं कैरी कर रही हूँ ऐसे वाला, क्योंकि भैया जी ने हमारा ट्राईपॉड तोड़ दिया है और वो अब जुड़ रहा नहीं है. गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी और अभी हमें 200 मीटर चल के जाना है. कहाँ पे 200 मीटर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? जन्मभूमि पहुँचेंगे. हाय बोल दो. गुड मॉर्निंग. ये देखो मेरा कितना मस्त है. ये दूर से ही देख के मेरे पास आ रहा था. क्या ले रही हो? हम ले रहे हैं स्टॉल, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की है. वो तो बेवकूफ़ है. दुपट्टा वगैरह नहीं लिया ना ही मैंने इंडियन पहना, तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा. भैया जी दे दो इसमें से कोई इंडियन वाला. भैया जी 100 वाला 100 वाला 100 रुपए का 100 वाला है, 150 रुपए का 150 वाला. इसका मतलब भैया जी बार्गेन नहीं करेंगे? अरे लो ना, जो समझ में आए वो ले लो. राधे राधे वाला ले लो. हाँ ले लो. क्या अच्छा मास्क कपड़ा. शर्ट ना, टी-शर्ट टाइप. जे सब देखो, छोटे छोटे बच्चों को दिया जा सकता है गिफ्ट करके. गाइस यहां पे फोन अलाउड नहीं है. मोबाइल नहीं जा सकते. जो भी चाबी है इलेक्ट्रिक चाबी है, मोबाइल नहीं जा सकते ना. मोबाइल नहीं जाएगा. इलेक्ट्रिक कुछ भी अलाउड नहीं है. कीज वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है. चाबी का जमा करके आ जाऊं भी. गाइस पीछे क्लॉक रूम है. हमने यहां से अपना फोन वो अभी जस्ट हाथ में लिया है और अंदर का एक्सपीरियंस मतलब तो बहुत ज्यादा. मैं फिलहाल ये वीडियो कर रही हूं मेरी दादी के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका मन था. उन्होंने मेरे को लगता है आज से 1-1.5 साल पहले मेरे को बोला था कि कहीं जाओ मत जाओ, लेकिन मथुरा वृंदावन जरूर जाना. तो मतलब ये ब्लॉग पूरा का पूरा उनके ऊपर ही है. हमने ये लिया एक छोटी सी डोलची, बहुत क्यूट लग रही थी. मतलब ये मंदिर वंदिर जाओ तो फूल वगैरह लेके जा सकते हैं वैसा. तो मेरे को बहुत पसंद आया. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है यार ये. अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फोटो खिंचवाने के बाद कहाँ जा रहे पागल? द्वारकाधीश. हाँ हम लोग फोटो खिंचवाने के बाद जा रहे द्वारकाधीश. मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये बंदे ने मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया है, दुष्ट इंसान. लेना है तो बोलो फिर चेक करें. ले लो, अच्छी लग रही है. ये क्या बड़ी वाली है? जाना था हमें द्वारकाधीश मंदिर जाना था, लेकिन वो 11 बजे तक ही चालू होता है और हम थोड़े से लेट हो गए. एज इन हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्त लग रहा था. मस्त यहाँ पे हम लोगों ने वो कारागार भी देखा जहाँ पे श्री कृष्ण जी को मतलब जहाँ पे वो जन्म लेते हैं. हाँ अभी मतलब वो सिर्फ वो ही पार्ट देखा, क्योंकि बाकी का पार्ट ये लोगों ने क्या किया है ना, वो मस्जिद बना दिया है. बाकी के जो भी कारागार है उसको तोड़ के मस्जिद कर दिया.
मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस। तो जो यहाँ पे विजिट करेगा ना वो ही सिर्फ यहाँ की ब्यूटी देख सकता है, आप किसी ब्लॉग किसी इसमें नहीं देख सकते। बिकॉज ऑब्वियसली मंदिर वगैरह में अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत सारी जगह पे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो हम आपको नहीं दिखा सकते। आप यहाँ आकर ही फील कर सकते हो वो चीज़ जो हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। इधर से शुरू करना है आपकी यात्रा, वहाँ से शुरू होगी कदम के पेड़ पे माथा लगा करके और मंदिर इधर से जाना, ये सब आ रहे हैं मंदिर तक। ये हमारा कदम का पेड़ है जिस पे कृष्ण जी बैठ करके मुरली बजाते थे यमुना नदी के पार पे, यमुना नदी के बगल में। यहीं से प्रसारण किया जाता है यहाँ की छड़ी मार होली, यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हैं तो यही दिखाई देगी। अच्छा, छड़ी मार होली यहाँ से? छड़ी मार होली यहीं होती है, बाद में भगवान फिर लठ मार होली खेलने गए बरसाने में गोपी और राधा के साथ में। तुम्हारा लठ मार होली जो टेलीविजन पे देखते हो ना, दोनों होली यहाँ से खेलने गए। छोटी गौशाला है और बड़ी गौशाला है रोड के बाहर। आज भी यहाँ के लोग गाय पालते हैं, गायों का बिक्री नहीं करते, अगर पालन नहीं कर पाएंगे गौशाला में छोड़ आएंगे। मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय और जिसका कर्म फूटे वो बाहर गांव को जाए, यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है। आज मथुरा में आपने चौबे लोग सुने होंगे चतुर्वेदी, वो अपने बच्चों की शादी विवाह करते हैं अपने परिवार में। अच्छा, जैसे मोमडन करते हैं ना मामा इस तरह से, तो वो केवल चौबे लोग ही अपने बच्चों की शादी अपने परिवार में करते हैं, बाकी का और कोई नहीं करता। यहाँ ये भगवान भजन आश्रम में ये दो आप लोग मीराबाई का नाम आपने सुना हो, पूरे ब्रज में भजन करने आए और यहाँ से भगवान को लेके गई राजस्थान, तो उसकी परंपरा को रखने के लिए आज भी अनाथ माताएं भजन करती हैं हरे कृष्ण हरे राम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे से। अच्छा, बलदेव जी का है ये पूरा एरिया, बलराम जी का जन्म, कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ, बलराम जी का जन्म वो हुआ। तो ऑडियो वीडियो कैसेटों में माताएं भजनों में गाती हैं ना, वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गान और बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम का, भगवान श्री कृष्ण या बंसी बजा के गाय इकट्ठा करके गैया चराने के लिए जाते हैं। ये रास चबूतरा है, जन्माष्टमी का आप लोग यहाँ आओगे, रासलीला का प्रोग्राम यहीं से प्रसारण किया जाता है। ये आज भी गाँव है भैया जी, बट सो बट नहीं कृष्ण नाम का, आइए चलो चलो। यहाँ से भगवान के समय कोई गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे, उस टाइम गोपियाँ दूध दही लेकर के मथुरा जाती थी, भगवान उनकी मटकी तोड़ के भाग जाते थे, गोपियों के हाथ नहीं आते। तो ये दान गली है जहाँ दान लगा, यहाँ से आज भी मथुरा जाएंगे तो 4 किलोमीटर। हाँ, और ये मथुरा के अंदर में आता है, आपको दिखाई नहीं आएगी। गाइस ये नंद बाबा का किला है, ये सब पुराने हैं तो लोगों ने उसी तरीके से छोड़ करके अपने घर बना दिए हैं। बहुत सारे मंदिर के दरवाजे वही उसी तरीके से पुराने प्राचीन तरीके से हैं। तो गाइज आई विल रिकमेंड कि आप लोगों को एक बार मथुरा वृंदावन घूमने आए तो गोकुल जरूर घूमें। जान गए क्या है? ये चोर रास्ता है, चोर रास्ता है। मान गली बोलते हैं। कौन सी गली? मान गली। मान गली। मान गली कहते हैं। ये देखो अवशेष है टूटे हुए। और इनके टूट के गया ना, ये सब अवशेष हैं आज। अच्छा ये। हाँ सर। ये वाल तो बहुत बड़ी है। अरे बाबा सब टूट के गया। आ जाओ।
देखो देखो नींद आ रही है इनको। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अभी तक का? गाइस हम लोग गोकुल गए थे, मैंने ये बताया ही नहीं, हम लोग गोकुल गए थे, हम लोग गोवर्धन नहीं गए, क्योंकि हमारे साथ जो भैया जी हैं उन्होंने बोला गोवर्धन में सिर्फ परिक्रमा होती है, वो कुछ कुछ स्पेशल टाइम होता है जब वहाँ पे अच्छा लगता है परिक्रमा करने में, है ना। निकले से तो 25 किलोमीटर की परिक्रमा है, हमने तो पूरा आज का दिन उधर ही समर्पण अर्पण जो भी होता है कर। आप क्या कर रहे हो, कहाँ कैमरा है आपका? अर्पण कर देना, समर्पण कर देना होता है ना एक दिन पूरा उधर ही। तो इसलिए हमने प्लान किया कि हम लोग गोकुल जाएंगे और गोवर्धन छोड़ देते हैं इस बार के लिए। गोकुल से हो गया, अभी हम लोग पेट पूजा करने लिए बैठे हैं, बहुत भूख लग रही है हमें को। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जाएंगे, जो हमारा रह गया था, जो बंद हो गया था, वो 3:30-4 के करीब खुलेगा, तो वहाँ पे दर्शन करके देन विल गो टू वृंदावन। वृंदावन में हमें 3 से 4 जगह घूमनी है एंड देन बैक टू होटल। अभी भूख लग रही है बहुत तेज, बोलने का मन नहीं कर रहा होगा। चलो गाइस मैं हम यहाँ पे रोक रहा हूँ, बिकॉज मैं तो ये बोलती रहेगी। अरे नहीं, वो कैमरा मैन अनिमेश गुप्ता के साथ ऋचा ग्रेडी, ऋचा ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कारम।